आज का हमारा विषय होगा हिंदी परियोजना कार्य, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि क्रिया एवं इसके भेदों को उदाहरण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें। इस प्रश्न में आपको क्रिया के दो तीन उदाहरण, जैसे पढ़ना, सोना, हंसना, रोना, खेलना इत्यादि, चार पांच उदाहरण आप लिखेंगे। और उसके बाद इसके दोनों ही भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण वाक्यों में और अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित वाक्यों में एक चार्ट के रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा। वहीं दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित टेबल में उचित शब्द भरें। आपके सामने जो टेबल है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन पांच प्रकार के संज्ञा शब्दों के तीन तीन उदाहरण ऐसे ही टेबल बना करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो उसके दो तीन उदाहरण जो भी हो सकते हैं, जैसे गंगा नदी, हिमालय, रवि, सूर्य। वहीं जातिवाचक के उदाहरण हो सकते हैं गाय, शेर, घर, मकान, किताब, कलम। भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन तीनों प्रकार के संज्ञाओं, इन तीनों ही प्रकार की संज्ञा के उदाहरण आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही चार्ट, ऐसे ही टेबल बनाकर प्रस्तुत करने हैं।